आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज यहाँ पर मेरे पास दो जगह से फोन आए थे, दिल्ली से और हरियाणा में एक जिले का नाम सिरसा है, वहाँ से। दोनों परिवार अपने बच्चों की शादी को लेकर बड़े चिंतित थे। वो मेरे से समाधान पूछ रहे थे कैसे क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि एक की बेटे की शादी 2 अप्रैल की थी जिनको यूपी जाना था दिल्ली वालों को, और दूसरे की शादी 11 अप्रैल की थी, बेटी वाले थे सिरसा के जिनको गुड़गांव आना था। दोनों के परिवारों का क्या कहते हैं पोस्टपोन हो गया। मैंने उनको जो जवाब दिया वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ मिला जुला। प्रकृति के सिस्टम को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति ने हमें प्रतिबद्ध कर दिया है कि उसके नियम को पालन करना। उसका नियम ये है कि आप कोई भी कार्यक्रम करें, जन्मोत्सव है, बालोत्सव है, आपका कोई भी विवाह शादी है, किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम है जो घरेलू होते हैं, उसको आडंबर रहित करना, सूक्ष्म तौर पे करना, वही प्रकृति हमें समझा रही है। हम नहीं समझ रहे, तब एक ऐसा माहौल तैयार कर। इस आपदा ने बहुत सारे प्लस पॉइंट भी दिए हैं। जिस तरह से बाढ़ आती है और जब जाती है तो उपजाऊ मिट्टी भी छोड़ के जाती है, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही रहता है, बाकी जो नुकसान हो तो अलग है। तो उसी तरह से ही इस आपदा ने हमारे को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, वो मैं इसमें नहीं बोला, पहले बोल चुका हूँ। अभी इसमें तो मतलब की बात यह है कि अभी हमें करना क्या है। विवाह शादी के अंदर गवर्नमेंट 20-30 जितने भी आदमी बोल रही है कि आप ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा किसी भी क्लब में, रिजॉर्ट्स में, होटल में, किसी भी जगह आप नहीं कर सकते रिजॉर्ट शादी में। तो करना कैसे है? उसका एक अच्छा तरीका यही है कि आपसरी दोनों लड़के लड़की वाले आपसरी परिवार तय कर ले कौन किसके आएगा, अपना सूक्ष्म रूप में 10-11 आदमी चले जाए, अधिक से अधिक भी जाके करके और अपना आ जाए। लड़के वाले या तो लड़की को बुला लें या लड़के वाले लड़के को बुला लें, वो आप तय कर लीजिए। एक परिवार किसी को बुला लीजिए जहाँ भी जैसा, और अपना करके नक्की करिए। आप पहला गणित तो ये है, जब दिनमान फिर कभी अच्छे होंगे और आपको उचित लगेगा तो आप कर लीजिएगा पार्टी वार्टी, लेकिन शादी विवाह अपना कर लेनी चाहिए। रही बात मुहूर्त विज्ञान की, आप याद रखना जब शरीर अशक्त होता है, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति होता है, छोटे बच्चे होते हैं, शरीर अशक्त होता है, इनमें और आपदा में, ये चार अवस्थाएं ऐसी जिसमें कि किसी प्रकार से कोई भी यम नियम लागू नहीं होता है। इस तरह वाले में मुहूर्त विज्ञान कोई लागू नहीं होता है, क्योंकि उस समय तो माहौल के हिसाब से जैसा भी हो, आज युद्ध छिड़ गया तो जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से जैसा हो कर लेना चाहिए। तो जिस तरह से सिख लोग शादी का एक दिन निश्चित कर लेते हैं, हम संडे के दिन करना है या कोई भी एक दिन निश्चित कर लिया, बस वो गुरुद्वारा जाते हैं कर लेते हैं। आप भी अपने आस पड़ोस से किसी मंदिर में जाके अपना शादी ब्याह कर लीजिए, बस फेरे लगाने कर लीजिए, या अपने घर में ही पंडित जी को बुला के फेरे करवाइए और नक्की करिए। अभी आप किसी भी परिवार पे दबाव मत बनाइए, किसी रिश्तेदार पे, किसी इष्ट मित्र आदि पे, नहीं नहीं आप तो भाई जी कम से कम आइए, आप तो भैया कम से कम आइए, नहीं कुछ नहीं, आप अपने आप में बस सीमित होकर कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, यही बढ़िया रहेगा, आपका इसमें देश के प्रति योगदान रहेगा। और हाँ, इस विवाह के अंदर आप जो भी लोग इकट्ठे हैं कृपया करके मास्क पहनना मत भूलना। बल्कि मैं तो यहाँ यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी जिसके घर आ रहा है वो और अच्छे मास्क लेके थोड़ा उनको दे, बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे उसमें थोड़ा सा, अगर आप कर सको, फुर्सत है इस समय, घर के बच्चे थोड़ा थोड़ा उसमें कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भी शादी ब्याह में एक नॉर्मल मास्क नहीं पहना, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने हल्का फुल्का सा कोई डिजाइन सा दे दिया, अगर आपके घर के बच्चों को फुर्सत है तो कोई बात नहीं। तो हर चीज में आप खुश रहिए। हम भगवान को क्या कहते हैं, कहते तो मानते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं, खाली मानते मानते हैं। अगर विश्वास करते होते और उसको अच्छी तरह जानते होते तो हम कहीं से भी विचलित नहीं होते। इस समय असंख्य परिवार विचलित है, शादी पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन विचलित। अरे कोई गुनाह थोड़ी हो गया, कोई दुख थोड़ी आ गया, शादी तो होनी है। अब आप अपने विवेक बुद्धि से सूझबूझ से शादी कर लीजिए, किसने मना करा, लेकिन नहीं, अभ्यास पड़ गया आडंबर दिखाने का, बाहुबल दिखाने का, परिवार को इकट्ठा करके कुछ अपना दिखाने का। या ये कई लोग ये तर्क देते जी हमने भी लोगों खाया, जी छोड़िए जी, आगे जाना छोड़ दीजिए, और नहीं तो आपने खाया तो कोई बुरी बात नहीं, अगले ने प्रेम पूर्वक आपको बुलाया, आप गए ना उनके मान सम्मान में, अगर आप नहीं बुला रहे तो कोई बुरा कुछ भी नहीं है, आपके अपने सिद्धांत हैं, उनके अपने नियम है, ये चलता रहता है, संसार का नियम है। तो इसीलिए आप किसी प्रकार से विचलित नहीं हुई है, प्रकृति को स्वीकारिए अच्छे ढंग से हर क्षेत्र के अंदर, और साथ में इसके अलावा भी आप देखना भगवान आपके लिए हर तरह से अच्छा करेगा अगर आप स्वीकार करके चलेंगे। आडंबर तो नहीं होगा लेकिन हाँ अच्छे से अच्छा रहेगा आपके लिए जीवन के हर क्षेत्र में। मेरी मंगल कामना, नमस्कार।